अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं कैसी लगी तुम्हें हमारी फैमिली? मैक, कहाँ खोई हुई हो? कहीं नहीं। तुम बिल्कुल खुली किताब की तरह हो। तुम्हें पढ़ना बहुत आसान है। तो बताओ क्या हुआ? जैसे आपके इस बड़े से घर में मेरा ये बैग अजीब लग रहा है ना, वैसे आपकी फैमिली में मैं भी अजीब लग रही हूँ। तुम अजीब नहीं हो, यूनिक हो, बिल्कुल इस बैग की तरह। सॉरी, पर आपकी फैमिली से मिलके ऐसा लगा जैसे उन्हें मेरे यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम पहली बार मिली ना, तो इसलिए थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही होगी। थोड़ा टाइम दो, सब कुछ नॉर्मल लगने लगेगा। हाँ, मैं बैग ले लेता। नहीं, मैं करती हूँ। बटन को दबाते ही ना अंदर की आवाज बाहर जाएगी और ना ही बाहर की आवाज अंदर आएगी। दरवाजा यहाँ क्या है? कुछ भी तो नहीं, ये बस स्टोर रूम है, पूरा गंदगी से भरा हुआ। अब घर की गंदगी मेहमानों तक पहुंचे, अच्छा नहीं लगता ना। चलें? हाँ। रुको, बैग में ले लेता हूँ। अगले हफ्ते मेरा एक प्ले है जिसमें मैं शहजादे सलीम का रोल कर रहा हूं।
तुम चलोगी ना देखने? फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। अरे क्या हो गया? अब क्या हो गया, ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। बस नाटक, बस नाटक नौटंकी में ही बादशाह बनने की औकात है तुम्हारी। अच्छा अब एक काम कर दो, मैं ना तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। अच्छा तुम ठीक तो हो? परफेक्ट, परफेक्ट रूम है ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी जरूरत की हर चीज है यहाँ पर। आज इस नौकरानी जैसी लड़की को घर में लाया गया और कल उसे इस घर की बहू बना के मेरे सर पे मार देंगे। कैसी बात कर रही हो रानी, एकांश हम लोगों के साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा, भाई है मेरा, जानता हूँ उसको, उसने हम दोनों को बराबरी का हक दिया इस घर में, हर जगह कितना मानता है हम लोगों को। और तुम अपने भाई की अच्छाई के ज्ञान ना कहीं और जाके बांटो, मेरा दिमाग मत खराब करो वीरेन, जाओ यहाँ से। वीरेन पर गुस्सा क्यों निकाल रही? वीरेन पर गुस्सा करने की जगह पर ये सोचो कि उस लड़की को एकांश की अतीत की सच्चाई कैसे बताई जाए। और सच जब सबके सामने आएगा तो या तो वो लड़की खुद भाग जाएगी या एकांश उसे मार देगा। वंदना आंटी सो रही है। एकांश बेटा, परसों ढूंढने के बाद तुझे महक मिली, तू उसे घर नहीं ले आया है, जो तू चाहता है फाइनली वो हो भी रहा है एकांश, फिर भी तो खुश क्यों नहीं है? मुझे खुशी उसके दर्द से मिलेगी मां। इसलिए शादी जल्द से जल्द होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसा तू चाहे, जैसी तेरी मर्जी, बस तू अपने दर्द में खो मत जाना, क्योंकि वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नहीं खोया ना, जा महक के पास जा, देखो ठीक है या नहीं, यहां सब कुछ उसके लिए बहुत नया है और वो जब तक कंफर्टेबल नहीं होगी हमारा काम नहीं होगा। इतना बड़ा कमरा है, इसमें तो हमारा पूरा घर ही आ जाएगा। तुलसी जी कहाँ रखूं? एक काम करती हूँ, लाइट ऑन कर देती हूँ। स्विच कहाँ है? यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, क्या है? कमरे में एक स्विच ही नहीं। हेलो, ये तो जाम है, ये कमरा है या जेल?
इतनी गर्मी हो रही है, ना स्विच है, ना पंखा है, ना एसी है। ये अमीर लोग अपने आप को राजा महाराजा समझते हैं क्या? कि पंखा करने के लिए भी दो चार नौकर रख लिए हो। हमें नहीं रहना यहाँ पे, ना ही यहाँ हमारे लिए कोई जगह और ना ही आपके लिए। हम यहाँ से कल ही चले जाएंगे। कितना अजीब है ये कमरा, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। Okay. मैं तुम्हारी इन क्यूट हरकतों की आदत डाल रहा हूँ। इस कमरे में लाइट पंखा कुछ भी नहीं है। फैन। कर्टन्स। फुल लाइट। यहाँ पर सब कुछ वॉइस से एक्टिवेट हो जाता है। तुम्हें बस एक आवाज लगानी है और सब कुछ तुम्हारे इशारे पर होगा। बस का मतलब ये नहीं कि तुम भगवान को आवाज लगाओगी और वो प्रकट हो जाएंगे। भगवान थोड़ी ना बुलाने से प्रकट होते हैं। यहाँ पर इसे प्रॉपर सनलाइट मिलेगी। तो इस रूम में वो सब कुछ है जो तुम्हें और तुम्हारी तुलसी को चाहिए। अब तुम इसी कमरे में रहना, बाहर मत निकलना। थक गई होगी तुम, थोड़ा आराम कर लो। डिनर पर रात को 9 बजे मिलता है। Van, full light. फोन चार्ज करो। फोन चार्ज करो। एक फोन तक चार्ज नहीं हो रहा मेरा। बड़े लोगों के बड़े चोचले हैं। पता नहीं माँ कहाँ होंगी और कैसे मैनेज कर रहे होंगे ये सब। मेरा तो फोन भी डेड है। काम करती हूँ, बाहर जाती हूँ, शायद कोई हेल्प कर दे। वो मेरा फोन डेड हो गया था। मैं माँ को ढूंढ रही थी लेकिन खुद ही खो गए। मैं भी खो गया, तुमने और तुम्हारी आंखों। बाय द वे,
मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लाया हूं। ये ओरिजिनल है। रेड कलर मेरा फेवरेट है। सभी जज्बातों का रंग लाल होता है, मोहब्बत का, जुनून का, दर्द का। ये रेड कलर तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। ये लाल रंग तुम पहनोगी ना तो ये तुम पर और भी खिलेगा। सॉरी पर मैं इतने महंगे गिफ्ट अजनबियों से नहीं लेती। जिस दिन मुझे अपना मानोगी उस दिन इसे पहन ले। लेकिन अगर वो दिन कभी आया ही नहीं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? सब लोग तुम्हारे डिनर टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। वंदना आंटी भी आई हुई है। तो जाओ जल्दी से चेंज कर आ जाओ। मैं तुम्हारा फोन चार्ज करा देता हूं। जाओ। से प्यार करते हो ना, है ना, है ना? तो फिर आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल लोगे ना? प्लीज निकालोगे ना आप? प्लीज ना, प्लीज मुझे मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो।
ऐसे क्यों घूर रही हैं मुझे तुलसी जी? अब कोई लड़का बार बार ऐसी बातें करेगा, इंप्रेस करने की कोशिश करेगा तो थोड़ा तो पसंद आएगा ही ना। कैसे कि परिवार से मिलके बहुत घबराहट होती है, ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। ये लाल रंग तुम पहनोगी ना तो ये तुम पर और भी खिलेगा। पहनू कि नहीं यार, बहुत ही कंफ्यूजन है। अब आप ही मेरे कंफ्यूजन का पर्दा हटाइए। अरे ये क्या हो गया? Right.